स्टिच करने के बाद आपको कुछ ये इस तरीके का पैटर्न नज़र आएगा। अब हमें लाइनिंग ले लेनी है और बैग वाली फॉर्म ले लेनी है और ऐसे हमें रख के इसे स्टिच कर लेना है। तो देखिए सेम साइज़ की हमने लाइनिंग भी ले ली है और पॉकेट के लिए 5x6 इंच का और बैग के हैंडल बनाने के लिए ये 2 स्ट्रेट कपड़े की स्ट्रिप ले ली है। बायस के लिए मैंने ये स्ट्रिप ली है। 5 इंच की छोटी सी डोरी बनाएंगे। सबसे पहले हम इस तरह से हैंडल तैयार कर लेंगे। बायस भी हम स्टिच कर लेंगे। इसकी हमें छोटी सी डोरी बनानी है और इसे टर्न करके सीधी तरफ को लेके आएंगे। राइट साइड को टर्न करने के बाद देखिए हैंडल हमें यहाँ पर स्टिच कर लेने हैं। लूप को सेंटर पे स्टिच करना है जो छोटी सी हमने डोरी बनाई है। अब देखिए हमने इस तरह से ये कॉर्नर आपस में मिला के स्टिच करना है। ये कॉर्नर भी आपस में मिला के स्टिच करना है। ऐसे ही ये कॉर्नर और ये कॉर्नर भी आपस में मिला के स्टिच करना है और फिर उसके बाद दोनों साइड पे स्टिच लगा लेनी है। पॉकेट बनाएंगे। पॉकेट बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर 5x6 इंच का स्क्वायर पीस ले लिया है। इसको हम इस तरह से टर्न करके फिनिश कर लेंगे और उसके बाद पॉकेट को हम लाइनिंग के साथ स्टिच करेंगे। अब देखिए हम लाइनिंग को भी जैसे कि हमने बैग को स्टिच किया ठीक वैसे ही स्टिच कर लेंगे। अब देखिए जब मैंने ये बैग टर्न करके राइट साइड को किया तो इसकी जो ओपनिंग है मुझे थोड़ी सी छोटी लग रही है, तो
तो मैंने फिर से इसे रॉन्ग साइड की तरफ टर्न कर लिया है और इसकी जो ओपनिंग है थोड़ा सा हमें खुली करने के लिए इस कॉर्नर से 2-2 इंच तक इसे उधेड़ लूँगी। यहाँ तक हम इसे उधेड़ लेंगे और उधेड़ने के बाद जो कॉर्नर है जिसे कि हमने उधेड़ा है ठीक से पक्का कर लेंगे वहाँ पर जहाँ तक कि हमने उधेड़ा है उसे। अब इसी तरीके से हमें लाइनिंग भी उधेड़ लेनी है यहाँ यहाँ तक 2-2 इंच तक कॉर्नर से। अब देखिए हमने बैक को राइट साइड को टर्न करना है। बैक का राइट साइड और लाइनिंग का राइट साइड आपस में मिलना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसे हमें बैक को लाइनिंग के अंदर डालना है। अब देखिए जो हैंडल वाले कॉर्नर है उन्हें हैंडल वाले कॉर्नर से मिलाना है और इस तरह से हमें स्टिच करना है इसको। थोड़ी सी जगह बगैर स्टिच किए हमें छोड़ देनी है ताकि वहाँ से हम बैक को सीधी तरफ को टर्न कर सकें, इतना करीबन हमें हिस्सा छोड़ देना है। तो देखिए स्टिच करने के बाद हमें कॉर्नर पर ज़रूर कट लगाने हैं, बाहरी कॉर्नर पर ट्रिम कर लेना है और जो अंदर वाले कॉर्नर है उन पर कट जरूर लगाना है। अब देखिए जहाँ से हमने बैक को बगैर स्टिच के छोड़ दिया था वहाँ से हम बैक को राइट साइड को टर्न करेंगे। अब देखिए हमें पहले तो इस कॉर्नर को जहाँ से कि हमने राइट साइड को टर्न किया था बैक को वहाँ की फिनिशिंग करनी है, साथ में ही एकदम किनारे की स्टिच भी हमें लगा लेनी है। स्टिच लगाने के बाद देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक बटन लगा लेना है। तो देखिए बटन लगाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का ये पर्स नज़र आएगा, बहुत ही छोटा सा सुंदर सा ये पर्स है और इसमें आप आपका मोबाइल फ़ोन भी रख सकती हैं, आपके मेकअप का सामान भी इसमें रख सकती हैं। बहुत ही सुंदर ये बना है, अंदर से पॉकेट भी हमने इसमें बनाई है, काफ़ी स्पेस है इसमें। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको इसी तरीके के स्टिचिंग के वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसी तरीके के DIY स्टिचिंग वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद एक घंटी का आइकन आएगा उसे प्रेस कर दीजिएगा और बहुत